नमस्कार, मैं हूँ शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद अच्छी खबर है। होली से पहले डीए में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। गौरतलब है कि पिछले साल भी दिवाली के समय सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया था। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि त्योहारी सीजन में सरकार महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ रविवार को होने वाले तीसरे और अंतिम T20 इंटरनेशनल मैच से पहले विराट कोहली और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम के बायो बबल से 10 दिन का ब्रेक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में कीटनाशकों तथा अन्य कृषि सामग्री का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल की पीएम ने तारीफ करते हुए कहा कि देश में ड्रोन के इस्तेमाल की संस्कृति बढ़ रही है। पीएम ने विश्वास जताया कि ड्रोन क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता दुनिया को एक नया नेतृत्व देगी। मोदी सरकार ने शुक्रवार को ड्रोन का उद्घाटन किया। वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का शनिवार को निधन हो गया। वो इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर थे। रवीश तिवारी 2020 से कैंसर से जूझ रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, माता पिता और एक भाई है। पंजाब विधानसभा चुनाव 20 फरवरी को है। इसी बीच बड़े घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक आवास पर सिख नेताओं के लिए प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने आवास पर सिख समुदाय की कई प्रमुख हस्तियों की मेजबानी की। उनके सरकार द्वारा समुदाय के लिए किए गए कार्यों को रेखांकित किया। पंजाब में विधानसभा चुनाव से 2 दिन पहले यह मुलाकात हुई है। आज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक मुंबई में नहीं, बीजिंग में हो रही है। इस बैठक को भारत से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य नीता अंबानी ने संबोधित किया है। बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का 139वां अधिवेशन हुआ है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार कम होने के साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा दी गई है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने एक हालिया ट्वीट में बताया कि देश ने 175 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि नया भारत, नए कीर्तिमान, देश में 175 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। मुजफ्फरपुर से टाटा वाया रांची के लिए शुक्रवार को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की एसी बस रवाना हुई। डीएम प्रणव कुमार, आईएएस अनुपम श्रेष्ठ, आरटीए वरुण मिश्रा, डीटीओ सुशील कुमार और एमवीवीआई रंजीत कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। आम पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास दावों को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खत के जवाब के मामले को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया। बता दें कि बुधवार को कुमार विश्वास ने दावा किया था कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम या खालिस्तान के पीएम बनने का ख्वाब देखते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के केस अब काफी कम हो गए हैं। आलम यह है कि बीते 24 घंटे में 25,000 से भी कम मरीज सामने आए हैं। बता दें कि देश में शनिवार को कोविड के 22,270 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि कोरोना से मौत का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो बीते 24 घंटे में कोरोना से 325 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश के 5 राज्य अभी भी टेंशन बढ़ा रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई जारी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। बता दें कि 14 फरवरी से लगातार बड़ी बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले कोर्ट में छात्राओं की तरफ हिजाब के पक्ष में दलीलें दी गई थी। पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाला है। ऐसा अमेरिका के वेटरन अफेयर्स द्वारा की एक स्टडी में पाया गया है। पिछले 2 सालों में पूरी दुनिया में अरबों लोग कोरोना संक्रमित हुए। स्टडी में बताया गया है कि जिन कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उनमें मानसिक बीमारियों की शिकायत ज्यादा देखने को मिली है। वहीं जो लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो गए हैं उनमें ये दिक्कतें ना के बराबर है। आप सभी को याद होगा कि टाटा मोटर्स की लखटकिया कार, जिसे आम आदमी की कार कहा जाता है, भले ही यह कार का उत्पादन अब बंद हो चुका है, लेकिन कार को जब नए अवतार में टाटा समूह के अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा ने देखा तो वह उसे काफी पसंद आया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें यकीन है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आने वाले वक्त में यूक्रेन पर आक्रमण करने का निर्णय लिया है। बाइडेन ने कहा कि उनके पास यह मानने के कारण है कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा
और राजधानी पर भी हमले होंगे। शुक्रवार को संघर्षरत क्षेत्र में एक काफिले पर गोलीबारी हुई और रूस समर्थित विद्रोहियों ने नागरिकों को वहां से निकाला। बिहार में शहरी गरीबों को अपना घर देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के शहरी निकायों में 3,54,182 आवास की मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें से 2,17,837 इकाइयों का निर्माण शुरू हो गया है। इसमें 57,103 आवासीय इकाइयां बनकर तैयार हो गई हैं। हाउस फॉर ऑल स्कीम के तहत इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसकी मिशन अवधि इस साल मार्च तक है। यूक्रेन रूस तनाव के बीच जहां दुनिया भर के देशों में ठनी हुई है, वहीं इस तनाव के बीच रूस ने यूक्रेन संकट पर भारत द्वारा रखे गए पक्ष की तारीफ की है। रूस ने कहा कि हम भारत के संतुलित सैद्धांतिक और स्वतंत्र रुख का स्वागत करते हैं। 91 साइकिल्स ने भारतीय बाजार में नया मेराकी S7 इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च की है। बाइक की कीमत 34,999 रुपए रखी गई है और यह हीरो इलेक्ट्रो की F2i सहित बाजार में अन्य इलेक्ट्रिक साइकिलों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। कुछ दिन पहले यूक्रेन के माहौल को देखते हुए लगता था कि लड़ाई अब शुरू हो गई है कि तब मीडिया में तारीख घोषित हो गई थी कि 16 फरवरी को हमला होगा। 16 तारीख निकल गई, बल्कि उसी दिन रूस ने कहा कि हम फौजी अभ्यास खत्म करके कुछ सैनिकों को वापस बुला रहे हैं। COVID-19 की तीसरी लहर कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। इसी बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की सेकेंड वेव जैसी वेव आने की उम्मीद कम जताई है। सोशल मीडिया पर आयोजित एक परिचर्चा में गुलेरिया ने यह बात कही। यह परिचर्चा डॉक्टर आरती विज के साथ इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर दिन शुक्रवार को हुई। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने शुक्रवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता किया। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और यूएई के फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन तुक अल मारी ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली मेट्रो के रविवार को कुछ स्टेशनों पर सर्विस बंद रहेगी। मरम्मति और मेंटेनेंस के काम चलते सेवाएं बंद रखी जाएंगी। 20 फरवरी यानी कि रविवार को दिल्ली मेट्रो में सफर करने से पहले एक बार टाइम टेबल जरूर देख लें। इस बारे में दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने डिटेल में जानकारियां दी हैं। DMRC के मुताबिक रेल लाइन और स्टेशनों पर मेंटेनेंस के काम के चलते ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी। हाल ही में शायर मुनव्वर राणा ने कहा था कि अगर योगी जीतते हैं तो यूपी छोड़ वे कोलकाता जाएंगे। अब अभिनेता कमाल राशिद खान ने कहा है कि योगी की हार नहीं होगी तो वे भारत नहीं लौटेंगे। KRK फिलहाल दुबई में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक के दौरान कैबिनेट ने मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड करने और इससे संबंधित कार्य सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपने पर मुहर लगा दी है। पिछले 2 सालों से बंद विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन विक्रमशिला में करवाए जाने की मांग इलाके में जोर पकड़ने लगी है। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग एवं कला संस्कृति विभाग की ओर से यहाँ महोत्सव का आयोजन कराया जाता रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के 240 सरकारी स्कूलों में करीब 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। स्मार्ट क्लासरूम के उद्घाटन के बाद सीएम केजरीवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से देश के कई बड़े नेता केजरीवाल को आतंकवादी कह रहे हैं, जिस पर मुझे हंसी आती है। भारतीय सेना के जवान कश्मीर में हर पल देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, लेकिन अब भारतीय सेना कश्मीर बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आगे आ रहे हैं। अब सेना ने देश की लोकप्रिय कोचिंग सुपर 30 की तरह सुपर 50 बनाने की पहल की है। जी हां, अब भारतीय सेना बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। सेना ने नॉर्थ कश्मीर में सुपर 50 पहल शुरू की है, जिसके जरिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अगर आप शेयर बाजार से कमाई करना चाहते हैं और मल्टी बैगर स्टॉक की तलाश में हैं, तो आपको आज हम एक जबरदस्त शेयर के बारे में बता रहे हैं। इस स्टॉक का नाम है GRM ओवरसीज बासमती चावल के कारोबार से जुड़ी इस कंपनी का BSE लिस्टेड स्टॉक साल 2004 से अब तक अपने निवेशकों को 5,90,350% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। कोल इंडिया लिमिटेड ने जनरल मैनेजर ऑफ चीफ मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत कुल 14 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे में जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे कोल इंडिया के आधिकारिक साइट kolindia.in पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। भोजपुर जिले के पीरो में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा के दौरान भारी बवाल हो गया। इसके चलते करीब 20 मिनट तक सेंटर पर अव्यवस्था की स्थिति रही। लोगों का गुस्सा देखकर वहां तैनात पुलिस वाले भी भाग गए। दरअसल बोर्ड ने नियम बनाया कि परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले ही केंद्र के अंदर प्रवेश कर दिया जाएगा।
कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल की बिक्री प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से नियुक्त प्रशासक ने रिलायंस कैपिटल की बिक्री के लिए रुचि पत्र मंगाई है। ये वो पत्र होता है जिसके जरिए ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनियां रिलायंस कैपिटल पर दाव लगाने के लिए तैयार है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनू कुमार, सौरभ मिश्रा, मुमताज आलम, रंजीत यादव, धीरज कुमार, अंजू देवी, जितेंद्र ठाकुर, अभिषेक कुमार, रंजीत मिश्रा, गोविंद कुमार और सोनू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा सत्ता में वापस आने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।